नमस्कार साधको, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए आज हमें श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मूल्य जागृत हैं उनका पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के बारे में विचार करें। वेद के समय से आज के समय तक बहुत से परिवर्तन हैं, इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेक्स्ट बुक को लिखना होगा, दोबारा संकलन करना होगा, उसको व्यवस्थित करना होगा। इस व्यवस्था में हमारे को सबसे पहले सोर्सेज क्या हैं और आज इनके बारे में भ्रांतियाँ कितनी हैं और इन सबसे ऊपर उभर कर हम किस तरह से इसको व्यवस्थित स्वरूप में अपने पाठ्यक्रम में अपना सकते हैं, उसकी आवश्यकता को जानते हुए टेक्स्ट बुक लिखने का कार्य किस तरह से एक शोध पीठ बनाकर उस शोध पीठ में लेखक वर्ग को ये जिम्मेवारी देनी होगी कि वो पाठ्य पुस्तक का संकलन करें। ये आज हम इस पर कुछ विचार करेंगे। जो वेद की विद्या है वो सत्य युग की विद्या है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर अब कलयुग। इस समय काल की गति के अनुसार ही में जानना होगा। यहाँ पर वेद की संहिता जो के सकल ऋग्वेद संहिता है इसको अपनाना होगा। ये ऋग्वेद की संहिता है और इस संहिता को मूल मानकर हमें यहाँ तक वेद के मूल्य कैसे जागृत थे वो जानना होगा। त्रेता युग में हमें आदि वाल्मीकि रामायण, जो आदि वाल्मीकि रामायण है, इसके अंदर जो जो मूल्य जागृत हैं वो जानकर हम सत्य युग से त्रेता युग तक प्रवाह को जान सकते हैं। उसके उपरांत द्वापर युग में उर महाभारतम, इस को पंचम वेद भी कहते हैं, इस पंचम वेद को जानकर हम त्रेता युग से द्वापर युग तक का प्रवाह कैसा रहा, और कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ तक पहुँचना होगा, और तभी ही हम जान पाएंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मूल्य कौन कौन से हैं। इसके पश्चात जो और हम लीलावती तक और इससे पहले जो हम आर्यभट्टी और सब अपने आप को ये मानकर बैठे हुए हैं कि ये वेद की विद्या यहीं तक है और इससे पहले क्यों नहीं आई और ये कैसे हो गया, अंतराल कैसे आया, इन सब विषयों में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि लेखक वर्ग अपने आप को सकल ऋग्वेद संहिता को सोर्स मानते हुए आदि वाल्मीकि रामायण तक पहुँचे,
और महाभारतम तक पहुँचे, श्रीमद् भागवत महापुराण तक पहुँचे, तो उसके पश्चात ही अपनी कलम को उठाए। इसके लिए लेखक वर्ग से एक प्रार्थना है कि वो सर्वप्रथम ये देखे कि हमारे पूर्वज ग्रंथों में विद्या का संकलन कैसे करते थे, तो देखें कि साकल ऋग्वेद संहिता कैसे और महाभारतम तक, आदि वाल्मीकि रामायण तक, भागवत महापुराण तक किस तरह से संकलन किया गया। देखें कि जो हमारे पास शिक्षा से लेकर कल्प तक वेदांग के ग्रंथ हैं वो कैसे लिखे गए हैं, किस तरह संकलन किया गया है, और सांख्य दर्शन से वेदांत तक जो दर्शन के ग्रंथ हैं उनको कैसे संकलन किया गया है, कैसे ही कुछ सूत्रों में ही कुछ श्लोकों में ही पूर्ण विद्या के क्षेत्र को जागृत कर लिया गया है, किस तरह से प्रथम सूत्र या प्रथम श्लोक में ही उस पूर्ण क्षेत्र का दर्शन करा दिया गया है, आदि किस तरह से अंत तक पहुंचा देता है और आदि अंत किस तरह से एक ही बिंदु पर हैं, ये सब लेखन विद्या जो वैदिक लेखन विद्या है उसके बारे में हमें अपने आप को जागृत करना होगा, तभी हम जाकर इस पाठ्य पुस्तक को सही स्वरूप दे पाएंगे। आइए मैं अब आपको उपवेद, उपनिषद, भूमा के बारे में, उपवेद उपनिषद के बारे में किस तरह से विद्या को संकलन किया जाता है उस बारे में बताता हूँ। प्रथम होगा श्री विद्या, द्वितीय होगा स्थापत्य, तीसरे कदम पर होगी चतुष्पीठ, चौथे कदम पर होगी सूर्य रश्मि, पांचवें कदम पे होगा ब्रह्मांड, छठे कदम में होगा ब्रह्म निर्वाण। ये छह सूत्र मान लीजिए ये उपनिषद पूर्ण होगा और भूमा तक पहुंचाएगा। भूमा के अंक 25 हैं, श्री विद्या के अंक 38 हैं, चतुष्पीठ के अंक 30 हैं, स्थापत्य के 22 हैं, सूर्य रश्मि के भी 30 हैं, ब्रह्मांड के 43 हैं और ब्रह्मांड निर्वाण के 57 हैं। इनका योग करोगे तो 283 है, जो कि हमारे गणित सूत्र जो हैं उनके वर्णों की संख्या है। किस तरह से वैदिक गणित उपवेद उपनिषद के भूमा के तौर पर जागृत है और इसको जानने के लिए कैसे हमें श्री विद्या कहने से ही इस 38 अंक की विद्या तक, स्थापत्य कहने से 22 अंक की विद्या तक, चतुष्पीठ से 30 तक, सूर्य रश्मि से 30 तक, ब्रह्मांड से 43 तक और ब्रह्म निर्माण तक 57 तक, ये 6 स्टेप्स में सातवें की पूर्ति होते हुए अष्ट प्रकृति तक पूर्ण रूप में पूर्ण वैदिक गणित जागृत हो रहा है। इस जागृति को अपनाएं तो स्थापत्य को जब हम जानेंगे, ये जो 22 अंक है ये हमारे पास हाइपर क्यूब 6 है, 4, 5, 6 और 7 ये सूर्य का स्थापत्य है। इस सूर्य के स्थापत्य का तात्पर्य ये हुआ
के हाइपर क्यूब 6 जो है इसी की स्थापना करनी है। हाइपर क्यूब 6 की स्थापना का तात्पर्य 22 अंक की स्थापना है। 22 बिंदुओं के अंदर हमारे पास 21 गैप्स छिद्र हैं। ये 21 छिद्र पूर्व को अंक बनते हैं और 22 अंक ये पश्चिम के दिव्य अंक हैं। दोनों का योग 43 ये ब्रह्मांड है। अब देखिए किस तरह से हमारे पास जो चतुष्पीठ होगी, इस चतुष्पीठ के पूर्व से पश्चिम तक पहुंचना यही ब्रह्मांड है। पूर्व से पश्चिम तक 21 अंक और 22 अंक, ये हमारे पास जो हाइपर क्यूब 6 है, ये जो सूर्य है इसका जो स्थापना है, ये हाइपर क्यूब 6 जो है ये 21 छिद्रों को सेतु स्वरूप में इस प्रकाश से हमारे को पूरे ब्रह्मांड को जागृत कर रहा है। इसलिए जब हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक को जागृत करेंगे, जब हम चाहेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक का निर्माण किया जाए, इस पुस्तक को सेटल किया जाए, तो हमारे सामने पहला प्रश्न होगा कि हमारे पास सोर्स, तो पहला हमें सोर्स बताना होगा, इस विद्या का सोर्स क्या है। तो हम साकल ऋग्वेद संहिता से चलेंगे, हम आदि वाल्मीकि रामायण तक पहुँचेंगे और महाभारतम तक पहुँचेंगे और हम श्री भागवत तक पहुँचेंगे। इन पहुँच से ही हम ये जान पाएंगे कि ये विद्या कैसे जागृत है, कैसे प्रवाहित हो रही है और किस तरह से रूप का परिवर्तन हो रहा है और हमारे को किस तरह यहाँ से इस सूत्र को हमें पकड़ना है और बीच के खंड काल में जो किसी भी और कारणों से इस सोर्स से संबंधित ना रहते हुए इससे हटकर जो विद्याओं का संकलन किया गया है उनमें पूर्ण सत्य नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो वेद की दिशा वाला नहीं है। दूसरी बात जो हमें जाननी होगी ये होगा कि हमारे पास वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। हमारे पास ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है या धनुर्वेद उपवेद है या गंधर्व वेद उपवेद है और यहाँ पर स्थापत्य है। इसलिए इस स्थापत्य को जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, इन तीन वेदों को त्रिविद्या कहा जाता है। अथर्ववेद इस त्रिविद्या तक पहुँचने का वेद है और ये उपवेद हमारे को इन उपवेदों तक पहुँचने का वेद है। जो वैदिक गणित है, वैदिक विज्ञान है, वो स्थापत्य में है। तो स्थापत्य जो उपवेद है जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, इसके स्वरूप को जब हम एक एक वर्ण को अलग अलग क्रम अनुसार अपनाएंगे, जानेंगे, तो ही हम इस विद्या क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ तक कैसे पहुँचाएँ वो जान पाएंगे। ये 3, 5, 2, 5, 1, 4, 1 और 1, ये जो हमारे पास 22 है ये हाइपर क्यूब 6 है, 4, 5, 6 और 7 है, ये हमारे पास छठा वर्ण है। यहाँ से वैदिक गणित का ये प्रथम वर्ण है। तो वैदिक गणित जो प्रथम वर्ण 6th वावल जो हाइपर क्यूब 6
जो कि मूल्य 22 वाला है, तो गणित सूत्रों के जो 283 वर्ण हैं और इन 283 वर्णों का जो उपवेद भूमा है, उपवेद उपनिषद है, भूमा है, वो किस तरह जागृत होता है, कैसे उसको अपनाना है, कैसे उसके अनुरूप हमने अपनी बुद्धि को दिशा देनी है, कैसे इस शिक्षा को उस रूप में परिवर्तित करना है, और उस सब के लिए ही हमें पाठ्य पुस्तक को बनाना है। इस पाठ्य पुस्तक को जब गणित के सूत्रों को उसके क्रम के अनुसार 283 तक और आगे 284 से 519 उपसूत्रों तक, तो ये ए यहाँ पर 12 बार आया है और आगे 10 बार है। ये 12 का जो अंक है, ये ए रेज टू पावर 6 इज टू 12 बी रेज टू पावर 5, ये हाइपर क्यूब 6 की ट्रांसेंडेंटल बाउंड्री 12 आदित्यों की विद्या है। और 6 अंक का मतलब षट जो है, इसका दिव्य अंक 10 है, और यही हमारे पास उपसूत्रों का पहला सूत्र है। जो पहला उपसूत्र है उसके जो अंक हैं वो 10 हैं। इस तरह से हमें पाठ्य पुस्तक में प्रारंभिक में ही जो हम पहला इस स्थापत्य को एक पहला सेक्शन बनाकर और इस सेक्शन के जो प्रस्तावना के स्वरूप में, प्रारंभिक ज्ञान के स्वरूप में हमें ये सब बताना होगा कि ये स्थापत्य किस तरह से उपवेद है, ये अथर्ववेद का उपवेद है, और गणित विज्ञान और तकनीकी, वैदिक गणित विज्ञान व तकनीकी यहाँ जागृत हो रहा है। तो इसके एक ग्रंथ जिसका नाम मानसारख है उसको हमें जानना होगा, और जैसे ही हम इसको जानेंगे तो हमें इससे स्थापत्य मापदंड के बारे में पता चलेगा, और जैसे ही स्थापत्य मापदंड तक हम पहुँचेंगे तो हम पाएंगे कि विष्णु इसके देवता हैं और ब्रह्मा इसके मान के देवता हैं। ऐसा जानने से ही, जैसे ही हम एक स्पेस से 6 स्पेस तक, हाइपर क्यूब 1 से हाइपर क्यूब 6 तक परिचित होंगे तो हमें ये क्रम अनुसार विद्या मिलती चली जाएगी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एकाधिकेन के स्वरूप में जो चल रहे हैं, और 1 को 2 मानकर 4, 6, 8, 10 और 12 तक पहुँचेंगे, तो ये हमें जो शरीर के षड चक्र हैं उसके बाह्य लक्षण होंगे। इस तरह से हम इस स्थापत्य के मापदंड पर, स्थापत्य मापदंड को जानते हुए और इस स्थापत्य रज्जु को जानते हुए, जैसे हम अपने आप को इस दिशा वाला करेंगे तो हम इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए साधकों, लेखक को, शोधकर्ताओं और विद्या के क्षेत्र के बारे में नीति बनाने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं को ये स्पष्ट रूप पर इंगित किया जा रहा है कि आप शोध पीठ को बनाए बिना कोई भी कदम अगर आगे रखेंगे तो वो शायद ठीक दिशा वाला ना हो, और इसमें जब तक आप लेखक वर्ग को सही स्थान नहीं देंगे तो आप पाठ्य पुस्तकों को सही रूप नहीं दे पाएंगे, और पाठ्य पुस्तक नहीं होने से आप
सही शिक्षा दे पाएंगे इसके बारे में सोचना ही अकल्पनीय हो जाता है। साधकों, आइए हम वेद को वेद के मापदंड पर ही अपनाएं और इसको इस तरह से अपनाने से ही हम वेद के ऋण से उऋण हो सकते हैं। धन्यवाद।